नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश याठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर एक बार फिर से हम कमोडिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रुपए महत्व की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में हम देख रहे थे कि बीते कुछ दिनों से सोने चांदी की जो कीमतें थी $1,850 के ऊपर सस्टेन थी, वहीं सिल्वर भी $22 के आसपास सस्टेन हो रखी थी। गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी दिनों से हल्की हल्की बढ़त दर्ज की जा रही थी, क्योंकि जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं और जो डॉलर हैं उनमें हमने यहाँ पर हल्की सी नरमी आते हुए देखी थी। दूसरी तरफ US फेड की तरफ से बयान निकल के सामने आ रहे थे कि इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए जो बेसिस पॉइंट्स है उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। कुछ को अटकलें ये लग रही थी कि बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, वहीं कुछ जानकार ज़्यादा बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी की आशंका जता रहे थे, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमने यहाँ पर ये उठापटक बनते देखी। तो अब गोल्ड सिल्वर में आज के कार्रवाई सत्र में कीमतें क्या रहेंगी, ऊपर में कितनी जाएंगी और लोग कितने तक का लगेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं आज एक बार फिर से यहाँ पर नरमी देखने को मिली है काफी दिनों की सस्टेनेबिलिटी के बाद। जो गोल्ड $1,850-$1,855 की रेंज में था, अब वो 1836 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, ये जो अचानक से दाम टूटे हैं सोने चांदी के, इनके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो सोने में गिरावट आई है, कल सडनली हमने देखा कि डॉलर के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली। दरअसल US प्रेसिडेंट जो बिडन जो है वो फेड रिजर्व चेयरमैन से कल मिले हैं और ट्यूसडे को उन्होंने मीटिंग किया है इन्फ्लेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है और जिसके बाद हमने देखा कि डॉलर के अंदर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली और उसके चलते गोल्ड ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया। और अभी इन्फ्लेशन को लेकर काफी चिंताएं देखने को मिल रही हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है अभी फिलहाल मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुझे गिरावट की उम्मीद नहीं लगती है। मुझे लगता है कि हल्की फुल्की ये शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है मार्केट में आता हुआ दिखाई दे और $1,820 तक एक बार मार्केट नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन बहुत फिलहाल गिरावट की तरफ नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में मेरे हिसाब से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अभी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं लेना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बाइंग पोजीशन में रहना चाहिए। जब भी करेक्शन आता है उसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी इससे रूपा जी, क्रूड में क्या लग रहा है आपको? कल तो देख रहे थे $118 पर ट्रेड कर रहे थे दोनों, आज देख रहे हैं $115 पर WTI और ब्रेंट ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो रूपा जी, इससे आपको क्या लग रहा है, ये जो कच्चा तेल लगातार अब तेजी की ओर ही है, तो क्या ये सप्लाई टाइट रहने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर जो रशिया पर बैन लगाने की आशंकाएं और तेज हो रही है उसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, ये आशंकाएं तो है कि अभी और ज्यादा जो है रशियन के ऊपर जो है वो बैन लग सकता है और चाइना के में भी शंघाई में जो है वो लॉकडाउन जो है कम हो सकता है और आगे चलकर इसमें और ज्यादा तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी करेक्शन में है, आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो अभी भी जो क्रूड है वो $100 के ऊपर है, इनफैक्ट $110 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी है। आज नीचे में अगर लुढ़कता है तो $110 तक की करेक्शन हो सकती है, वहीं अगर ऊपर की बात करें तो अभी भी $120 का ही अहम सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन देगा तो वापस एक लंबी तेजी की तरफ जा सकता है। रूपा जी, बेस मेटल्स में देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नरमी बनती नजर आई है, आज इंट्राडे में बेस मेटल्स में कैसा रुझान देखने को मिलेगा? देखिए, आज इंट्राडे में सभी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी कमोडिटीज ऊपरी स्तरों से फिसली हुई है, चाहे वो बेस मेटल्स हो, एनर्जी हो या फिर बुलियंस हो, सब में आज गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके चलते आज हल्की करेक्शन में मार्केट रह सकता है। कॉपर नीचे में अगर लुढ़कता है तो 760 तक आ सकता है, वहीं ऊपर में 800 तक की अभी फिलहाल रेंज है। सेम एज इट इज, अभी ट्रेंड जो है नॉन एग्री कमोडिटीज का पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज करेक्शन में मार्केट रह सकता है और घबराने की जरूरत नहीं है। जो करेक्शन आती है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में रहना चाहिए और बाइंग करके चलना चाहिए। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कॉपर नीचे में फिसलता है तो कॉपर में आप बाइंग करके चल सकते हैं। कॉपर एक अच्छा लग रहा है यहाँ से, कॉपर के साथ साथ अभी क्रूड में भी तेजी का ही रुझान दिखाई दे रहा है। क्रूड भी अगर करेक्शन में आता है तो करेक्शन के अंदर क्रूड में भी 8800 के आसपास अगर मिले तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।